सभी को नमस्कार। बिल्डे टॉम चैनल पर मैं एसके मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्लान नंबर 88। इस प्लान को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये प्लान की हाईलाइट है। बाकी प्लान की बात करें तो आज का ये प्लान है जिसकी लोकेशन दिल्ली है। 20x60 का ये प्लॉट है, तीनों साइड से पूरी तरह कवर्ड है। 5 बेडरूम के साथ में विद कार पार्किंग इसको बनाया गया है। डिटेल आपको हम आगे दिखाएंगे पूरे वीडियो में। बाकी इस तरह का कोई भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हर फ्राइडे को इस तरह का एक वीडियो हम यहाँ पे लेके आते रहते हैं। जो कि क्योंकि फ्यूचर में आप कभी ना कभी घर बनाएंगे तो आपको एक अच्छे हाउस प्लान की जरूरत पड़ेगी, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हमसे प्लान बनवा सकते हैं। नंबर आपको व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने प्लॉट की डिटेल और जो भी आपके रिक्वायरमेंट है हमें व्हाट्सअप करें। आपको कुछ फीस पे करके आप हमसे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। बाकी आज के प्लान पर चले हम, तो ये फ्रंट का एलिवेशन आप देख रहे हैं इसका, एंड इसका नाम घर रखा है जो भी हमारे क्लाइंट थे मिस्टर पीआर सक्सेना जी ने, तो उस तरीके से यहाँ पे नेम प्लेट आप लगा सकते हैं। ये बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है। बाउंड्री वॉल के सामने एक साइड पर हमने एक हल्का चबूतरा टाइप में बनाया है जहाँ पे आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 फिट के आसपास है। इतना कवर हम करते ही हैं। बाकी ये हमारा रैंप एंड गेट है। गेट की साइज 8.5 फिट की है और गेट के आगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पार्किंग दिया है जो कि 9.5x16 फिट की है। नीचे इसके आपके सेप्टिक या वाटर टैंक जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पे बन जाएगा। एंड हल्का सा प्लांटेशन के लिए यहाँ पे हमने एरिया दिया है। बाकी कार पार्क के साइड में से भी इतना स्पेस बचता है कि आप आराम से आगे तक जा पाएँ, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टेप दिया है क्योंकि हमने प्लिंथ की हाइट 1.5 फिट की रखी है, तो 9 इंच का स्टेप आ जाएगा एंड अगले स्टेप पर आप लेवल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से एंटर करेंगे हम अंदर तो ये हमारा ड्राॅइंग हॉल आएगा। 10x11 फिट का ये हॉल है। आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं क्योंकि जो सामने आपने ग्रीन एरिया दिया है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो 16 फीट तक इसको बढ़ा सकते हैं। बाकी इसमें भी आराम से 8-10 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा वेंटिलेशन मिलता है। सामने एक साइड में आपको टीवी कैबिनेट के लिए अलग से स्पेस मिलता है, एसी वगैरह लगाने के लिए स्पेस मिलता है, तो आपका जो भी गेस्ट है वो यहाँ पर आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इतना स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा दीवान के साथ में। इससे आगे चलेंगे तो ये हमारा लिविंग हॉल आता है, पूरा सॉरी डाइनिंग हॉल आता है 10x16 फिट का। यहाँ पर हमने हैंड वॉश के लिए सिंक वगैरह दिया है ताकि आप खाना वगैरह खाएँ तो आपको बाथरूम या किचन के अंदर ना जाना पड़े। बाकी 8 लोगों के लिए हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा के दिखाया आपको। आप चाहें तो ज़्यादा लोगों के लिए भी लगा सकते हैं। साइड में फ्रीज वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। डाइनिंग से जुड़ा हुआ आपको किचन मिलता है। किचन है हमारा 10x7 फिट का जो कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा साइज है ये और अच्छे वेंटिलेशन के साथ में। यहाँ पर काफ़ी बड़ा आपको विंडो मिलता है एंड डायरेक्ट पार्किंग और गेट का जो एरिया है वो आपको डायरेक्ट दिखता है यहाँ से, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाहर से कौन आपका गेस्ट आया है, आपको गेट खोलना है या नहीं। एंड किचन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे हमने एक स्टोर दिया है। आप इसको किचन स्टोर या रेगुलर स्टोर के हिसाब से आप इसको काम में ले सकते हैं। 10x5 फिट का स्पेस है, काफ़ी है स्टोर के हिसाब से। एंड किचन से ही इसका एंट्रेंस रखा है ताकि हमने किचन का जो सामान है आप इसमें रख सकते हैं, आपको ईजी टू यूज़ हो जाए, घूम के ना जाना पड़े। बाकी आप चाहें तो इसका गेट डाइनिंग एरिया से भी दे सकते हैं, जहाँ से हमने टीवी लगाया यहाँ से आप इसका गेट दे सकते हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो ये हॉल है पूरा, इसको हम बाद में दिखाएंगे। इससे पहले दिखाते हैं आपको यहाँ पे हमने 2 लेट बाथ अलग अलग दिए हैं। तो ये हमारा बाथरूम का पोर्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें वेंटिलेशन आपको मिलता है, शावर एरिया मिलता है यहाँ पर, एंड वॉश बेसिन के लिए आपको अलग से स्पेस मिलता है। इसका वेंटिलेशन के लिए हमने टॉयलेट के बैक साइड में वहाँ पर हमने 2.5 फिट का वेंट एरिया छोड़ा है, साफ्ट एरिया छोड़ा है, ताकि आपको बाथरूम और टॉयलेट दोनों को अच्छे से वेंटिलेशन यहाँ पे मिल सके। दोनों का एंट्रेंस हमने यहाँ पे लिविंग में रखा है। बाकी जो बाथरूम है इसी से सटा हुआ आपको यहाँ पे टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा है, वेंटिलेशन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही चाहिए, कॉमन चाहिए, तो आप लेट बाथ अलग अलग ना करके एक बना लें तो एरिया भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा और अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। चॉइस आपकी है, आपको अलग अलग चाहिए, एक चाहिए, ये आपका लिविंग स्पेस हो जाता है 11x14 फिट का। तो यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये स्टेयर है, आपके स्टेयर के नीचे भी आप वार्डरोब बना सकते हैं ताकि आपको स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाए। बाकी नीचे 2 बेडरूम दिए हमने, तो ये हमारा बेडरूम नंबर 1 हो जाएगा 10x13 फिट का, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर बेड के लिए स्पेस आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड इस साइड में आपको वार्डरोब के लिए स्पेस मिलता है। वार्डरोब काफ़ी बड़ी साइज़ की मिलती है इसमें। बाकी बेड के सामने भी आप काफ़ी स्पेस मिलता है, आप देख पा रहे हैं इसमें लगभग 3.5 फिट के आसपास स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विंडो मिल रहा है वेंटिलेशन के लिए एंड इसमें अटैच लेट बाथ का हमने प्रोविज़न रखा है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे तो ये आपका लेट बाथ है। वेंटिलेशन इसका हमने बैक साइड में वॉशिंग एरिया छोड़ा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो वहाँ पे निकल रहा है इसका
बाकी इसमें भी काफ़ी प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाएगा टॉयलेट के लिए या वॉश बेसिन के लिए या नहाने धोने के लिए, प्रॉपर स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा, स्पेस की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वेंटिलेशन है यहाँ पे, आप मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी ये किस साइड में ओपन है वो आपको आगे दिखाऊंगा मैं, वो एरिया अगले रूम से अटैच है। यहाँ से बाहर निकलेंगे हम तो बेड के सामने की साइड में आप टीवी या एसी लगा सकते हैं जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। बाकी कलर कॉम्बिनेशन है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको और चेंजेस कर सकते हैं। पिंक कलर का इस पर हमने यहाँ पे बाकी पूरे पोर्शन में रखा है कॉमन एरिया में। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 हो जाएगा, ये भी सेम साइज़ का है 10x13 फिट का। इसमें भी आपको प्रॉपर बेड के लिए या सीटिंग अरेंजमेंट के लिए चेयर वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिलता है। बड़ी साइज़ के यहाँ पे विंडो मिलते हैं और विंडो के साइड में आप एक गेट देख रहे हैं, तो ये वाला गेट है, हमने बैक साइड में ओपन वॉशिंग एरिया छोड़ा है हमने, जो कि आप यह देख रहे हैं कि कपड़े इस तरीके से आप यहाँ पे सुखाने के लिए डोरी वगैरह लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन सिंक वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं ताकि पानी का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाए वॉशिंग मशीन के लिए। बाकी दोनों रूम का और वो टॉयलेट का उनका वेंटिलेशन इसमें निकलता है, ऊपर इस तरीके से जाल से खुला रहेगा। टेरिस में बिल्कुल एक तरीके से कवर है, वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कवर है और कैसे आपको वेंटिलेशन मिलेगा, वो आप टेरिस पे जब चलेंगे तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे बेडरूम की जो टीवी या एसी के लिए आपको यहाँ पे जगह मिलता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था, जो कि इसमें ऑलमोस्ट अगर आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो भी आपको 2 BHK सेट काफ़ी अच्छी खासी साइज़ का यहाँ पर मिल जाता है। ये स्टेयर है आपकी, 2 लैंडिंग में हमने इसको बनाया है, ग्रीन मार्बल का इस पर यूज़ किया है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। बाकी यहाँ से हम चढ़ेंगे तो ये जो सामने आप टॉयलेट और 2 रूम देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम है जो ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो मैं इनको नहीं दिखाऊंगा। बाकी इनके साइड में ये लॉबी एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लास रेलिंग का लगेगा जिससे कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर नीचे गिरने का चांस ना रहे, सेफ्टी बनी रहे। बाकी ये टेरिस स्टेयर है वो आपकी टेरिस पर जा रही है, फ़ैन वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी है, आप चाहें तो यहाँ पे बैठने का सिस्टम बना सकते हैं। ये आपका एक फैमिली हॉल मिल जाता है आपको 10x16 फिट का, फ्रिज आप यहाँ पे रख सकते हैं, सोफे लगा सकते हैं, दीवान वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, अच्छा वेंटिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, बालकनी आपको मिलती है, सामने एक साइड में आपको टीवी या एसी लगाने के लिए स्पेस मिलता है, तो पूरी फैमिली बैठ के यहाँ पर टीवी शो वगैरह इन्जॉय कर सकती है। एंड ऊपर भी एक किचन हमने दिया है ताकि आपको अगर ड्राई किचन का यूज़ करना हो, चाय कॉफ़ी बनाना हो तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। 5x10 का ये किचन है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पे चिमनी लगा के प्रॉपर रेगुलर किचन का आप यहाँ पे यूज ले सकते हैं। कैबिनेट एरिया आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी मिल रहा है, तो इसमें पूरे हाउस में आपको 2 किचन मिल जाएगी। अगर 2 भाइयों के हिसाब से सोच रहे हैं आप तो भी ये पोर्शन ऊपर का आप एक अलग से 3 BHK बना सकते हैं। तो 2 रूम आपने पीछे देखे सेम थे, ये हमारा बेडरूम नंबर 5 हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये मास्टर बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ है, अच्छा वेंटिलेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टीवी या एसी के लिए आप प्रॉपर स्पेस यहाँ पे मिल रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आप 3 चेयर या फिर 1 सोफ़ा यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड इसमें हमने अटैच लेट बाथ दिया है, बाथरूम अटैच दिया है, 5x10 फिट का है, तो सामने आपको यहाँ पे सिंक के लिए एरिया मिल जाएगा एंड उसी के साइड में आपको यहाँ पर टॉयलेट के लिए स्पेस मिल जाएगा। वेंटिलेशन आप देख सकते हैं जो बालकनी साइड में डायरेक्ट बाहर खुल रहा है, ये ग्लास का पार्टीशन दिया है हमने एक हल्का सा यहाँ पे, और इससे आगे का जो पोर्शन है वो पूरा आपका शावर एरिया है ताकि आप नहाएं धोएं तो पूरा बाथरूम आपका गीला ना हो, उस तरीके से इसको अलग से किया है। आप चाहें तो इसको एक लेवल पे रख सकते हैं या फिर एक ग्लास पार्टीशन हटा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी पूरे बाथरूम का साइज 5x10 फिट का है। रूम में आते हैं तो सामने साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा वार्डरोब मिलता है आपको, तो स्पेस की भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मायने में आप इसको मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। ये हमारा फैमिली हॉल से जुड़ा हुआ है, बाकी इसमें एक बरामदा भी दिया है हमने, बरामदा बालकनी जो चाहें आप इसको बोल सकते हैं। बाकी ये एरिया आपका शानदार है, काफ़ी बड़ा है, 10x16 फिट के आसपास है, तो यहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। धूप देख रहे हैं आप किस तरीके से आ रही है, तो अच्छी धूप आपको यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमने पियानो रख के दिखाया है, यूजेज आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से ये इसको यूज करना है। ये रूम की विंडो है जो वेंटिलेशन के लिए दिया था, बाकी इसमें हमने टाइल का यूज़ किया है ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। यहाँ पर आपकी ग्रिल लगेगी एंड सामने की साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलता है बालकनी का, जिसमें आप आराम से एक जिम के लिए कुछ संसाधन रख सकते हैं। बाकी ये पूरी जो बालकनी का एरिया आप देख पा रहे हैं ये आपके प्लॉट एरिया के अंदर ही है, अगर आप रोड साइड में इसको बढ़ा सकते हैं कि आप सपोज़ 3 फिट और बढ़ा सकते हैं बाहर, तो आपको बालकनी का एरिया भी और बड़ा मिल जाएगा। बाकी फ़िलहाल ये सारा कुछ आपके प्लॉट एरिया के अंदर ही है, तो
अब चलते हैं हम टेरेस पे। टेरेस भी इसका काफ़ी अच्छा खासा है, ग्लास रेलिंग का इसमें यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झूले वगैरह लगाए हैं हमने, एंड इस तरीके से आप प्लांटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। और साइड में सीटिंग अरेंजमेंट भी किया है यहाँ पे, तो आराम से जैसे छत पे आप आते हैं तो आराम से बैठने करने का स्पेस आपको मिल जाए। स्टेयर का मम्टी रूम है जिससे आप ऊपर आएंगे छत पे, और स्टेयर के मम्टी रूम के ऊपर आपको वाटर टैंक या डिश टीवी एसी के यूनिट वगैरह के लिए प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ये जाल देख रहे हैं आप, तो ये जाल जो नीचे थे उसको हमने जाल से कवर कर दिया है। हर वीडियो में दिखाते हैं हम इसको ताकि पानी वगैरह ना जा पाए नीचे। बाकी पूरा टेरेस है पूरी तरह खुला हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, एंड सराउंडिंग एरिया भी इसका हमने काफ़ी अच्छा दिखाया है, वो आपके लोकल एरिया के हिसाब से किस तरह का आपको लगा वो। बाकी आज का प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है हमें भेजें, हमें उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आज का प्लान देखने के लिए, थैंक यू, नमस्कार।